तो हेलो गाइस, मैं हूँ टेक्निकल गेमर और आज हम वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के साथ। तो पिछले एपिसोड में हमने फार्मिंग और फिशिंग की थी। ये आवाज़ें आ रही है तो मैं पहले स्पाइडर को मार देता हूँ ऊपर से। यप, ये स्पाइडर यहीं पे है। ओह शिट, वो फटने वाला आ रहा है हमारे क्रॉप्स की तरफ। उसे यहाँ बुलाते हैं। तो इसमें से हमें गन पाउडर मिलता है। तो कुछ और वीट सीड्स के लिए हम थोड़ी सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें तोड़कर, काट कर मतलब। तो इनमें से हमें कितनी मिली देख लेते हैं। ओके, तो सिर्फ दो ही मिली हैं। बहुत ज़्यादा काटी और मिली बहुत कम। इन्हें भी तोड़ के देख लेते हैं। मैंने देखा था कि हमारे पास पटाटो भी है, उसे भी हमें वो पड़ा है लगा देते हैं, उसे भी हम लगा देंगे अभी। मैं पहले घर से पटाटो ले, हम रगड़ बना लेते हैं। पहले पटाटो लेके आ जाता हूँ मैं चेस्ट में से। चेस्ट यहाँ ये रहा, इसे मैं लगा देता हूँ फिर अब। लगा देते हैं। अभी हमारे पास एक ही है, तो अभी हम एक ही जगह को ऐसे कर लेते हैं। थोड़ी जब बढ़ेंगे तब लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं साइड पे एक और खोद देता हूँ पानी के लिए। बकेट लेके आ जाता हूँ मैं पहले घर से। ये रही हमारी बकेट, इसे ले लेते हैं, पानी के पास चले जाते हैं फिर भरने के लिए से। ये भर लिया पानी, अब चलते हैं वहाँ क्रॉप्स की तरफ।
बारिश भी हो रही है तो अब तेज तेज क्रॉप्स होंगी। और फिर यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ पे से मेरा ये भी उग रहे हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे खोल देते हैं, यहाँ पानी भी डाल देते हैं। तो भी हमारा पटाटो वाला भी रेडी है, तो अब शुगर केन का भी यही कर लेते हैं। तो थोड़ा पानी लेके चले जाते हैं, थोड़ी सैंड भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो डर्ट पे नहीं होगा। यहाँ पे बना लेते हैं शुगर केन का। इतना काफी होगा तो एक और कर लेते हैं पानी के लिए। यहाँ पे लगा देते हैं, नीचे तक कूद जाओ। तो शुगर केन और सैंड को हम यहाँ लगा लेते हैं पहले, उसके बाद पानी यहाँ लगा लेंगे। कर लेते हैं तो यहाँ से और लेके चले जाते हैं। एक और बाल्टी ले आते हैं पानी। यहाँ पे सही रहेगा। तो मैं शुगर केन लेके आ जाता हूँ, पहले हम कीमती सामान को चेस्ट में रख लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं। रात भी हो चुकी है तो हम सो जाते हैं। तो सुबह हो गई, अब हम चलते हैं शुगर केन को लगाने के लिए। तो शुगर केन लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चले जाते हैं आगे, शायद हमें पड़ी मिल जाए। यहाँ पे पानी वाली ज़ॉम्बीज भी हैं, इन्हें भी मारना पड़ेगा हमें। पानी में शील्ड भी नहीं खोलता ये, और कौन मार रहे? एक और है, तीन 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 से कैसे लड़ूंगा मैं? चलो रिस्पॉन हो गए, दोबारा करते हैं यहाँ पे।
मार देते हैं इन्हें दोबारा। सामान लेते हैं हम पहले अपना। शील भी एरी, स्वॉर्ड भी मिल गई, टॉर्च ले लेते हैं। अब दोबारा तीन आ गए, एक और साथी को ले आए। एक के पास तो कोई वेपन है फेंकने वाला जिससे वो मार रहा है। शुगर के ना हमारा ये रहा, तो मार लेते हैं पहले, उसके बाद ले लेंगे वो भी। उसने अपना वेपन छोड़ दिया है, हमने ले लिया उसका वेपन। देखते हैं वेपन का नाम क्या, ट्राइडेंट। ओके एक और है, इसे भी मार देते हैं, इसके पास भी ट्राइडेंट है। इसका ट्राइडेंट हमें नहीं मिला। ओके जो ये पड़ा है उसे भी नहीं हम ले सकते। हमारी हो और एक्स भी नहीं थी, एक और आ गया। कितने हैं ये, चलो तो दो ही हिट में मर गया। सैंड भी ले लेते हैं। अब हम अपनी शुगर केन ले लेते हैं। आई थिंक इतनी काफ़ी होगी उसके लिए, कम पड़ जाएगी तो। हमारी चेस्ट में भी पड़ी है थोड़ी सी। एक और ज़ॉम्बी आ गया, लड़ने से पहले हम पहले ही चले जाते हैं। यहाँ सैंड के ऊपर लगा देते हैं, पहले ले लेते हैं हम आपकी। तो दो और शुगर केन कम पड़ रही है, आई थिंक तीन, दो या तीन। फिर हम अपना आर्मर वगैरह लगा लेते हैं। इसे भी यूज करके देखते हैं कैसे होता है। होल्ड करना पड़ता है क्योंकि बो एंड एरो की तरह ही है। इस पिक को मार के देखते हैं। ओके तो हमें जाना होता है यहाँ पे लेने, मेरे को लगा था वापस आना पड़ता है। तो हम लेके चले जाते हैं ये शुगर केन, ट्राइडेंट को इसमें रख देते हैं। अपने टूल्स को भी इसमें अंदर रख देते हैं। शुगर केन को तो लिया ही नहीं, अब ले लिया और यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक इतनी काफ़ी होगी। एक को गलती से लगा दिए हैं। ये भी हो जाएंगे फिर अब जल्दी से। हम माइनिंग के लिए भी चले जाते हैं। शुगर केन को इसमें रख लेते हैं और
काफी होगा, एक पिकैक्स को भी हम लेके चल लेते हैं। ये वीट भी ग्रो हो रही है हमारी जल्दी, पोटैटो भी हो रहा है। यहाँ तो नहीं थी वो, हमारी वो नई मिली केव पा गई जो हमने डिस्कवर की थी। थोड़ा सा वुड लेके चल लेते हैं। इतना काफी हो गया आई थिंक। बना लेते हैं हम थोड़ी स्टिक्स। मैंने पिकैक्स बनाना तो भूल ही गया। ओके, तो कोबलस्टोन की जरूरत है अभी हमें। बचा हुआ इसमें रख देते हैं, फालतू का सामान भी इसमें रख देते हैं। काफी है, अब हम चलते हैं अपनी केव में माइनिंग करने। कहाँ पे थी हमारी केव, आगे थी या बोरी? तो टॉर्चेस बनाने के लिए हम थोड़ा सा कोल ले लेते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे था, ये रहा। ओके, तो इस जगह शायद हम नहीं गए। टॉर्चेस को क्राफ्ट कर लेते हैं जितनी हो रही है अभी। ट्वेंटी सेवन काफी होगी। यहाँ पे तो एक बंड है, यहाँ पे भी, तो वहाँ पे जाके देखते हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे आगे एक रास्ता है, ये तो गेम खत्म है। यहाँ पे पानी वाली जगह पे देखते हैं, यहाँ भी खत्म है। यहाँ पे थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं हम, शायद कुछ मिल जाए। तो यहाँ दूर दूर तक तो अभी हम कुछ ही नहीं मिला। ज़ॉम्बीज़ और स्केलेटन की आवाज़ हो रही है, तो
तो थोड़ा हम नीचे चल लेते हैं। थोड़ा और खोद देते हैं, हम ऐसे करके खोद लेते हैं, पता चले नीचे लावा आ जाए और हमारा सारा सामान उसमें गिर जाए और हमारी हेल्थ भी चली जाएगी। थोड़ा और नीचे तक जाते हैं, ये वाली साइड को भी खोद लेते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, बाकी के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए रख लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, गुड बाय।